केएल राहुल और कुणाल पांडे की शानदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइज हैदराबाद को हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज हैदराबाद के बीच आज आईपीएल 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी रही, जिसके दम पर उन्होंने मुकाबला जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा सनराइज हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम के पक्ष में। मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें अपने शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने होम ग्राउंड पर एक खतरनाक पिच के ऊपर पहले गेंदबाजी करने उतरी, तो वहीं पर बल्लेबाजी करने उतरे मयंक अग्रवाल, तो उनके साथ थे अनमोल प्रीत सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए शुरुआत करनी शुरू की। हालांकि पहला ओवर काफ़ी शानदार रहा, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह ने जयदेव उनादकट की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर इस मुकाबले का आगाज किया। उन्होंने यह छक्का विकेट के पीछे लगाया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, कुणाल पांड्या ओवर डालने आए तीसरा, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन तरीके से चौका लगाया मयंक अग्रवाल ने, और यहां पर उन्होंने भी एक बाउंड्री बटोरी। हालांकि ये पिच काफ़ी मुश्किल थी और इसी का शिकार बने कुणाल पांडे की गेंद पर मयंक अग्रवाल और मार्कुस टोनिस को कैच थमा बैठे और पहला झटका लगा सनराइज हैदराबाद को। कुणाल पांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल को पेवलियन भेजा। मयंक की बात करें तो उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर कुणाल पांड्या की गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। उनका यह शॉट काफ़ी शानदार था, जबकि दोस्तों इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और चौका अनमोल प्रीत सिंह ने लगाया। इसके बाद यहां पर एक बार फिर यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए, तो राहुल त्रिपाठी ने विकेट के पीछे एक कलात्मक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका बटोरा 6वें ओवर की 1ली गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये मिडॉन की तरफ से खेला हुआ काफ़ी शानदार शॉट था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह को LBW आउट करके पेवलियन भेजा। अनमोल प्रीत सिंह यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन 26 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसकी अगली ही पर नए बल्लेबाज एडम मार्करम को भी चलता किया कुणाल पांड्या ने। मार्करम अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर आउट हुए। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुणाल पांड्या की यहां पर एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिला दी और वापसी करा दी इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो वहीं पर इसके बाद रवि बिश्नोई ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक को भी चलता किया। निकोलस पुरन ने काफ़ी शानदार स्टंपिंग किया और पेवलियन भेजा खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक को। ब्रूक की बात करें तो इस मुकाबले में वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर राहुल त्रिपाठी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने दीपक हुड्डा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। वाशिंगटन सुंदर और त्रिपाठी सिंगल डबल के साथ संघर्ष करते हुए दिखे, लेकिन दोनों बल्लेबाज काफी लंबे समय तक बाउंड्री नहीं दिला पाए टीम को। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो बाउंड्री जब लगी तब बीच के ओवरों में इनके 5 ओवर का फर्क था, क्योंकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगा था और इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक और चौका अमित मिश्रा की गेंद पर देखने को मिला। लंबे समय के बाद बाउंड्री आई थी त्रिपाठी के बल्ले से भी। तो वहीं पर इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने काफ़ी शानदार शॉट खेला और बेहतरीन चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर लग रहा था कि अब राहुल त्रिपाठी टीम के लिए आखिर तक बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18वें ओवर की 2री गेंद पर यश ठाकुर की गेंद को विकेट के पीछे खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां पर खड़े अमित मिश्रा ने काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और पेवलियन भेजा यहां पर राहुल त्रिपाठी को यश ठाकुर ने। त्रिपाठी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 41 गेंदों पर 35 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौट गए।
इसके बाद अब्दुल समद ने आते ही यहां पर पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। उनका चौका काफ़ी शानदार था। यश ठाकुर की गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर का विकेट यहाँ पर चटकाया अमित मिश्रा ने। काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शानदार सफलता दिलाई अमित मिश्रा ने और दीपक हुड्डा ने बेहतरीन कैच किया। काफ़ी लंबे समय से ट्रबल कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर और अंत में 28 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज आदिल रशीद ने आते ही अमित मिश्रा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा, लेकिन उस चौके के बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दीपक हुड्डा ने एक और बेहतरीन कैच किया और एक और झटका लगा यहाँ पर सनराइज हैदराबाद को। इसके बाद दोस्तों अब आखिरी ओवर में सारी जिम्मेदारी अब्दुल समद के ऊपर थी, लेकिन पहली गेंद पर दो रन लेने के चक्कर में उमरान मलिक रन आउट हो गए। वो बिना कोई गेंद खेले ही पेवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद यहां पर उनादकट के ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया अब्दुल समद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्गोन के ऊपर से। उनका ये छक्का कमाल का था, क्योंकि इस मुश्किल पिच के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान नहीं था। वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन छक्का डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा यहां पर अब्दुल समद ने, और यहां पर 121 रनों तक पहुंचाया निर्धारित 20 ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम को। अनमोल प्रीत, राहुल त्रिपाठी और अब्दुल समद की शानदार बल्लेबाजी के दम पर यहाँ तक पहुँच पाई, लेकिन यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने सिर्फ 122 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में एक वाइड का पंजा भी लखनऊ सुपर जायंट्स को मिला और पहले ही ओवर में शानदार शुरुआत हो गई लखनऊ सुपर जायंट्स की। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में भी केएल राहुल और उनके साथ काइली मायर्स का बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यह चौका भी काफ़ी शानदार था और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव के जरिए उन्होंने चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर काइली मायर्स के बल्ले से भी पहला चौका दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही देखने को मिला, जहां पर काइली मायर्स ने शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने भी एक शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए ही बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी के एक और शानदार चौका काइल मायर्स के बल्ले से देखने को मिला। उनका ये काफ़ी शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एडन मार्करम की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत कर दी, लेकिन इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर फजल हक फारूकी ने। जब मायर्स उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और मयंक अग्रवाल को कैच थमा बैठे और यहां पर पहला झटका लगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। मायर्स इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा आए, जिन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए शानदार छक्का बटोरा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने वापसी करते हुए अपनी आखिरी गेंद पर छठे ओवर की कोटिन बोल्ट के जरिए पेवेलियन भेजा दीपक हुड्डा को। दीपक हुड्डा काफी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक शानदार कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया और भुवनेश्वर कुमार को इस मुकाबले की पहली सफलता मिली व सनराइज हैदराबाद को दूसरी सफलता। वहीं पर इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे दीपक हुड्डा। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल से बड़ी उम्मीदें थी, तो उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। इसके बाद कुणाल पांडे की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जब उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम की गेंद को कवर ड्राइव के जरिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 6ठी गेंद पर यानी कि 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए कुणाल पांड्या के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। ये छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से था, जहाँ पर बेहतरीन छक्का बटोरा उन्होंने। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर डालने आए
टी नटराजन की तीसरी गेंद पर भी कुणाल पांड्या ने बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन यहां पर मिसफील्ड की थी उमरान मलिक ने, जिसके चलते बेहतरीन चौका कुणाल पांड्या के खाते में गया। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की गेंद पर भी बेहतरीन चौका कुणाल पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने काफ़ी शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और चौका देखने को मिला कुणाल पांड्या के बल्ले से, और ये चौका भी उमरान मलिक की ही गेंद पर उन्होंने लगाया था, जहाँ पर काफ़ी शानदार चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कुणाल पांड्या, लेकिन उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर अनमोल प्रीत के हाथों में गई और एक और झटका लगा। उमरान मलिक ने यहाँ पर शानदार सफलता दिलाई। कुणाल ने बेहतरीन 23 गेंदों पर 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे मार्कुस स्टोइनिस, लेकिन एक वाइड का पंजा उनके आते ही यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में आ गया। तो इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट विकेट के पीछे खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा, यानी कि उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी थी। इसके बाद 14वां ओवर डालने आए फजल हक फारूकी के ओवर में भी एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका बटोरा मार्कुस स्टोइनिस ने। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी चल रही थी और इस मुकाबले में अब लगभग जीत के करीब पहुँच चुकी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन तभी यहाँ पर कप्तान केएल राहुल को पेवलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए आदिल रशीद ने। केएल राहुल LBW आउट होकर पेवलियन लौटे, इस मुकाबले में उन्होंने भी महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जहाँ पर 31 गेंदों पर उन्होंने 35 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल के बाद अगली ही गेंद पर रोमारियो सेपट के रूप में एक और विकेट मिला यहाँ पर सनराइज हैदराबाद को, और आदिल रशीद ने बैक टू बैक दो विकेट टीम को दिलाए। लेकिन इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे, जिन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद जीत के लिए अब सिर्फ दो ही रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर टी नटराजन की गेंद को बेहतरीन छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार जीत दिला दी निकोलस पूरन ने, और इस मुकाबले में शानदार तरीके से 5 विकेट से जीत दर्ज की लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो दोस्तों आज के मुकाबले में जीत का हीरो तो कुणाल पांड्या रहा। आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।